today's chapter, number systems, that is your first chapter. In your previous classes, आपने number line के बारे में पढ़ा है, ठीक है? आपने इन numbers को किन terms में divide किया है, उसके बारे में पढ़ा है. आज हम उन्हीं को revise करेंगे और आगे चलेंगे. चलिए. So this is your number line. Number line जिसमें हम अपने numbers को represent करते हैं. ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ एक ही लाइन में मैंने कुछ नंबर्स रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ इनकी बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सपोज करिए मेरे पास एक बैग है और मैं जा रही हूँ इस तरफ को, ठीक है. मुझे यहाँ से, मैं यहाँ से स्टार्ट हुई, मुझे आगे ये नंबर्स मिले 1, 2, 3, 4, 5. मैंने इन सभी नंबर्स को अपने बैग में डाल लिया, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन. जो भी मेरे को नंबर आगे मिले मैंने अपने इन्हें बैग्स में डाल लिया, इन नंबर्स को. तो ये जो कलेक्शन है इन नंबर्स की, जो 1 से स्टार्ट हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. दैट मीन्स मेरे बैग में जो अब नंबर्स हैं उन कलेक्शंस को मैं क्या कहूँगी, नेचुरल नंबर्स कहूँगी. सो दिस इज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन, एंड हमारी जो काउंटिंग है वो ख़त्म नहीं होती. नंबर्स जो हैं वो हमारे इन्फिनिटी तक हैं. तो उन नंबर्स को जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है. इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. चलिए यहाँ लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स ठीक है. नेचुरल नंबर्स इसको हम डिनोट करते हैं एन से. ये वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन एन. इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर इसलिए क्योंकि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ऑन, ठीक है. तो इसलिए यहाँ जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, इनको नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये याद रखेंगे, इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है. अब जैसे कि मैं जा रही थी और मैंने अपने नंबर्स को बैग में डाल लिया, सो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर हियर. अब मैंने सोचा इसे भी डाल लेते हैं बीच में, ये क्यों छोड़ दें, तो हमने 0 भी डाल दिया बीच में. तो अब मेरे बैग में नेचुरल नंबर तो थे ही, अब साथ में क्या आ गया, 0 भी आ गया है, ठीक है. तो अब इसे कहेंगे होल नंबर, ठीक है. होल नंबर, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है. अब इसमें जो नंबर्स हैं 0 भी हैं, ठीक है, 0 भी डाल दिया था मैंने अपने बैग में, और साथ ही साथ हमारे जो नेचुरल नंबर ऑलरेडी थे, तो इस कलेक्शन को हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है. होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आपका 0 भी आएगा, ठीक है. इसे हम डिनोट करते हैं W से. चलिए नेक्स्ट. अब बैग में ये नंबर्स तो आ चुके हैं, अब सोचा ये जो रह गए हैं इन्हें भी डाल लेते हैं, बैग फुल कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे अपने नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, ठीक है. तो अब इस बैग में नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव नंबर्स, ये तीनों आ चुके हैं. तो अब इसे कहेंगे हम इंटीजर्स, ठीक है.
इंटीजर्स. इंटीजर्स जो हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर एंड द जीरो. ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपके नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये तीनों आते हैं. इसे हम कहते हैं इंटीजर्स. तो यहां इंटीजर को जो डिनोट करते हैं वो जेड से करते हैं, ठीक है, और आई से भी डिनोट करते हैं. सो इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, जीरो एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स, जिसमें हमारे जो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं, दीज आर इंटीजर्स, इन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स कहेंगे. तो क्या हमारी नंबर लाइन में सिर्फ इतने ही नंबर हैं? नहीं. अगर हम यहाँ दो नंबर्स ले लें, ठीक है, तो इनके बीच में भी नंबर्स हैं, डैट इज़ 1/2, 2/3, 1/5, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस. ठीक है, फ्रैक्शन जैसे 1/2, 0.25, 2/3, दीज आर दी फ्रैक्शन, इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन. हमारे पास एक और टर्म है, रैशनल नंबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर. 8th क्लास में चैप्टर था रैशनल नंबर. वो नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर P/Q आर इंटीजर्स, P/Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो. Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो रैशनल नंबर वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, जहाँ पे P और Q जो हैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दे आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर कान पी एस जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1/2, सो हेयर आप देख सकते हैं 1/2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज यहाँ पे इस नंबर को हम अगर देखें, ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, और हमारा डिनोमिनेटर डैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं है, जो हर एक कंडीशन इसकी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. सो दैट मीन्स इट इज ए रैशनल नंबर. ये क्या है? रैशनल नंबर है. तो कोई भी जिसे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें, डैट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, अपॉन की फॉर्म में लिखें, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर. बट वन थिंग इज कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. सो दैट द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P/Q, पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स का मतलब है कि आप इन्हें नेगेटिव भी ले सकते हैं. -2, डैट इज दी नेगेटिव नंबर, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो आता है. तो यहाँ पे दोनों जो हैं पी और क्यू, डैट इज इंटीजर, वो इंटीजर हैं, और आपका जो क्यू है डैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डैट मीन दिस इज ए रैशनल नंबर.
ठीक है। तो रैशनल नंबर की एक और बात करते हैं, हमारे इंटीजर्स थे सोन, दीज आर द इंटीजर्स। तो क्या ये इंटीजर जो हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्या ये रैशनल नंबर हैं? बात करते हैं ज़ीरो से, बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? अब आप देख रहे हैं ज़ीरो, अब रैशनल नंबर की अभी आपने डेफिनेशन की थी, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए। आपने ज़ीरो को देखा, अपॉन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, आपने कहा नो ज़ीरो इज नॉट ए रैशनल नंबर, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ीरो को मैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ज़ीरो के नीचे वन लगा दो, डैट इज ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे टू लगा दो, डैट इज ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे अगर आप थ्री लगा दो, डैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। मैं इसके नीचे वन लगा रही हूँ, टू लगा रही हूँ, थ्री लगा रही हूँ, कुछ भी लगा दो आप नीचे एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है। वैल्यू रिमेन्स ज़ीरो, वैल्यू जो है वो इसकी ज़ीरो ही रहेगी, बिकॉज ज़ीरो ओवर वन डैट इज़ ज़ीरो। बट मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। वे आर पी एंड क्यू, अगर आप पी और क्यू को देखें, दे आर इंटीजर्स, दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ठीक है, इसको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डैट मीन्स ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। 1.1 एक्सरसाइज, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? इफ यस, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ठीक है। तो ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है, ज़ीरो रैशनल नंबर है बिकॉज इसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, डैट इज़ द रैशनल नंबर। अब बात करते हैं माइनस टू या टू या थ्री, ये भी क्या हैं? ये भी रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? माइनस टू इसके नीचे लगा दो, वन लगा दो, माइनस टू ओवर वन, वैल्यू वही रहेगी, माइनस टू ही रहेगी, ठीक है। बट मैंने इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं ऑल आर रैशनल नंबर्स, सभी क्या हैं? रैशनल नंबर हैं, बिकॉज जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं उसे आप पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये इंटीजर्स लिखे हैं, सभी के नीचे वन लगा दो, वन अगर आपने नीचे लगाया उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, सो डैट मीन्स दे आर रैशनल नंबर। वो क्या है? रैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ठीक है, रैशनल नंबर और यहां पे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर डैट इज द ऑपोजिट ऑफ द रैशनल नंबर, वो नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अ नंबर विच कैंट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी हमने रैशनल नंबर की बात की थी, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हें हम रैशनल नंबर कह रहे हैं। तो इरेशनल नंबर सिंपल, जिसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे, तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से,
जो रैशनल नंबर्स हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दी अल्फाबेट क्यू. तो अब इरेशनल जिसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते डाटा आदि इरेशनल नंबर्स. अब इरेशनल नंबर में किसकी बात हो रही है, कौन है जिसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, योर पाई एंड द नंबर जो ख़त्म ही नहीं हो रहे. ठीक है, पॉइंट जिसके ख़त्म ही नहीं हो रहे, पॉइंट के आगे जो नंबर्स है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे. सो दीज नंबर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इरेशनल नंबर. इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर. इन्हें हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. अगर आप इस डेसिमल को देखें तो यहाँ पे डेसिमल जो है इसके आगे जो नंबर हैं वो ख़त्म ही नहीं है, वो कंटिन्यूज में है. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर. तो अगर आप पाई की वैल्यू देखें डैट इज 3.14 सो ऑन, उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती. ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर. ये एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर्स के. तो अब आ जाते हैं हम अपनी नंबर लाइन में. तो इस नंबर लाइन में हमने बहुत सारे नंबर्स देख लिए हैं. नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग की थी, होल नंबर्स में गए, इंटीजर्स में गए, उसके आगे फ्रैक्शन में, देन रैशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर, एंड देन आपकी नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं. ठीक है, अभी हमने रैशनल नंबर्स की बात की थी तो वो भी इन्हीं में आ रहे हैं. ये सारे रैशनल नंबर हैं. ठीक है, इरेशनल भी इसी में ही हैं सारे. अब बात आती है रियल नंबर्स की. तो इन सभी को जो आपके नंबर लाइन में जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर. ठीक है, तो आपके रियल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, ये सभी इसमें आते हैं. रियल नंबर जो हैं वो नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं उनको, उनके कॉम्बिनेशन को, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया है, उसको देखेंगे. फ्लो चार्ट है जिससे आप ईजिली समझ सकते हैं. ठीक है, इसको अपने अपने दिमाग में डाल लीजिए. हियर रियल नंबर, अभी जिसकी बात की थी हमने, ठीक है, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे रियल नंबर किससे बन रहा है? रियल नंबर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रैशनल और इरेशनल. ठीक है, रियल नंबर्स में क्या आ रहे हैं? रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं और इरेशनल भी आ रहे हैं. अब रैशनल नंबर आगे फर्दर सब डिवाइड हो रहा है एक फ्रैक्शन में और एक इंटीजर्स में. जैसे कि मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. तो फ्रैक्शन तो ऑलरेडी है ही, पी ओवर क्यू के फॉर्म में है ही, सो दे आर रैशनल नंबर्स. तो हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर में आ रहे हैं. आगे इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर हैं वो सभी रैशनल नंबर्स हैं. उन सभी के नीचे वन लगा देंगे, दैट बिकम अ रैशनल नंबर. आगे आपका इंटीजर जो है वो सब डिवाइड हो रहा है नेगेटिव नंबर्स में और होल नंबर में. अब इंटीजर डिवाइड हो रहा है नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. तो नेगेटिव नंबर्स और हियर होल नंबर. अब होल नंबर को फर्दर डिवाइड किया है जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, बिकॉज आपका जो होल नंबर हैं उसमें ज़ीरो आता है और नेचुरल नंबर्स आता है. तो ये पूरे आपके जो नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे बता रहा है कि रियल नंबर्स में क्या क्या आ रहा है. रियल नंबर्स में आपके ये पूरे नंबर्स आ रहे हैं, रैशनल नंबर में ये सारे आ रहे हैं, इंटीजर्स में ये सभी आ रहे हैं, और होल नंबर में ज़ीरो और नेचुरल नंबर ये आ रहे हैं. तो इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की. ठीक है, डेसिमल नंबर्स तो आप सभी को पता है.
कोई भी नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, उसे हम डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो डेसिमल कब आपको ये नंबर मिलता है, डेसिमल इस तरह के नंबर जिसमें डेसिमल लगा हो, जब आप कोई दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट में डेसिमल मिलता है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है, टर्मिनेटिंग आर दोज डेसिमल जो जिनका अगर आप डिवीज़न करें, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। कोई फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 36/100, ठीक है, यहाँ पे 36/100 दिस इज़ ए फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन की अगर बात करूँ तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 36/100, पॉइंट लगाया, ज़ीरो आ गया, 3, 3, 100, 60, 0, 6, 600, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी करते हैं कि दो ज़ीरोज़ हैं तो दो डिजिट के आगे आपका पॉइंट लग गया 36। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आपका जो नंबर है यहीं पे स्टॉप हो गया, 6 में ही ख़त्म हो गया है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें आपका जो रिमाइंडर है क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। उन सभी एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन की बात कर रही थी तो सबसे पहले हमें ये बताना था कि यहाँ पे इसको डिवाइड करना था। फर्स्टली वी हैव टू डिवाइड इट, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं एंड वी हैव टू फर्स्टली डिवाइड, हमें डिवाइड करना है और जो हमारा डिवीज़न है उसको देख के हमने बताना है कि दिस इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, डैट मीन्स कि ये जो है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो ख़त्म हो जा रहा है, जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जा रहा है, आपकी डिवीज़न वहीं पे ख़त्म हो जा रही है, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। और अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो कई बार होता है कि हमारी जो डिवीज़न है वो चलती ही जाती है, रिमाइंडर ज़ीरो आता ही नहीं है। देखा होगा 0.13, 1313, 1313 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो आता ही नहीं है, आपकी डिवीज़न ख़त्म ही नहीं होती, तो हम डेसिमल से आगे दो डिजिट ले लेते हैं। तो इस तरह के हम एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा और वो चलते ही जा रहा है, आपका जो कोशेंट है वो चलते ही जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, जिसमें आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बहुत सिंपल है, डिवीज़न करनी है, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, डैट मीन्स टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जा रहा है। जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, आपकी डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही, चल रही है और सेम ही डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उस तरह के एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, सो हियर वी हैव द स्टेटमेंट, आपकी एक्सरसाइज 1.1 में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिन्हें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, एंड आल्सो वी हैव टू गिव द रीज़न। सो हियर एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, बोल रहे हैं कि हमारे पास जितने भी होल नंबर हैं इज़ ए रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर है। तो चलो होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on, ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो बोल रहे हैं एवरी होल नंबर, मतलब सभी के सभी होल नंबर्स जो हैं
दैट इज ए रैशनल नंबर. यस, सभी क्या है, रैशनल नंबर है. अगर आप इन सभी के नीचे वन लगा दें, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर. हमने अभी डेफिनेशन की थी रैशनल नंबर की, कि कोई भी नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट नंबर इज कॉल्ड द रैशनल नंबर. तो मैंने सभी होल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख दिया, दैट मीन्स ऑल आर रैशनल नंबर. तो यहाँ पे आपकी ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू. ये क्या है, सही है. चलिए नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. यहाँ पे अब बात हो रही है इंटीजर्स की, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आपके आ रहे हैं. जीरो तो था ही, अभी हम प्रूव कर चुके हैं. तो कह रहे हैं कि सभी के सभी इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर है. सो दिस इज आल्सो ट्रू, बिकॉज इन सभी नंबर्स को मैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ. इनके नीचे वन लगा के मैंने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ. सो ऑल आर रैशनल नंबर्स. एवरी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. तो देखिए, अब पहली बात हो रही है रैशनल नंबर की. मैंने कोई नंबर उठा के लिख लिया 1/2, दिस इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, बिकॉज पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है. अब मुझे बताना है कि क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, नहीं है. बिकॉज इंटीजर में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, ज़ीरो आते हैं और पॉजिटिव नंबर आते हैं. जो हमारी नंबर लाइन में जो नंबर्स हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी इंटीजर्स हैं. इन्हें हम इंटीजर कहते हैं. बट दिस इज़ नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है. कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. हर एक जो रैशनल नंबर है वो क्या है, इंटीजर है. नहीं, 1/2 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट ए इंटीजर. एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे 0.6 बार को हमें पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखना है. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो इस तरह का क्वेश्चन हमें ज़रूर पेपर में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 बार का मतलब ये है कि ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है, सो खत्म नहीं हो रहा. ठीक है, तो यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे. सबसे पहले हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.666, सो इसे मान लेंगे इक्वेशन 1. ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर हमारी बार लगी है उसका मतलब ये है कि वो डिजिट क्या है, रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर ये दिया है 0.12 और बार जो है दोनों के ऊपर लगी है, डैट मीन्स ये 1, 2 जो है ये रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा. तो सर, फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू लेट जो नंबर आपको दिया है उसको आपने खोल के उसको x लेट कर लेना है. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, यहाँ पे जितने नंबर जितने डिजिट के ऊपर बार लगी है उसको आपने देखना है कितने हैं, ओनली 1. तो आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है उतनी ही जीरोस के साथ. कितने डिजिट हैं, 1, तो एक ही ज़ीरो लगानी है 1 के साथ और उसी से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे ये नंबर होता तो इसमें बार कितने डिजिट के ऊपर लगी है, 2 डिजिट के ऊपर लगी है. सो इन दिस केस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 100.
जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही आपको जीरोस लगानी हैं। अगर आपके 3 डिजिट के ऊपर बार लगी है सो यू विल मल्टीप्लाई विद 1000, आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 बिकॉज 6 के ऊपर ही बार लगी है। सो जब हम 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 10x, यहाँ 10x आ गया। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में जीरो कितनी है, 1, सो दैट मीन्स पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी 6.666 सोन, ये बन जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, इसे इक्वेशन मार्क कर लेंगे इक्वेशन 2। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास आएगा 10x माइनस x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये। अगर आप बात करें आपकी सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड थी 10x, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड थी x, सो 10x माइनस x। सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन योर राइट हैंड साइड इज 6.666 सो ऑन, सो माइनस 0.666 सो ऑन। 10x से 1x आपका माइनस हो गया सो इट विल बी 9x, और जब आप यहाँ इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। सो यहाँ से 9 दूसरी तरफ जाएगा सो इट विल बी 6/9, ठीक है। सो 3 2 6, 3 3 9, सो योर आंसर इज 2/3। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया था यू हैव टू रिप्रेजेंट 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो हमने इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट था 0.001, इस तरह का क्वेश्चन था। सो बार जो है वो 3 डिजिट के ऊपर है, डैट मीन्स फर्स्टली आप एक्स जो लेट करेंगे डैट इज 0.001001001 सो ऑन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जो करेंगे डैट विल बी विद द 100, वो किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा 100x, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप 100 में देखेंगे तो कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, डैट मीन्स आपकी जो पॉइंट है वो चली जाएगी 2 डिजिट के आगे। सॉरी, यहाँ पे 3 डिजिट थे, 3 डिजिट्स के ऊपर बात थी, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी जीरोस लगाएंगे, सो डैट हियर यू विल मल्टीप्लाई विद 1000, सो जीरोस आर 3, सो पॉइंट विल शिफ्ट आफ्टर 3 डिजिट, सो इट विल बी 1.001001001, सो सेम जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, तो इसी तरह आप आगे चलेंगे। चलिए, तो इस तरह से आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। चलिए नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे ये जो सिंपल हैं, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई बोथ द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ आप यूज़ करिए, अगर आप देख रहे हैं दोनों जो ब्रैकेट्स हैं डिफरेंट हैं,
ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगी, जबकि वहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, डैट मीन्स फर्स्ट टर्म दिस, सेकंड टर्म इज़ दिस एंड दिस इज़ योर सेकंड ब्रैकेट। सो फर्स्ट टर्म दैट इज़ थ्री, सेकंड ब्रैकेट सेकंड टर्म इज़ दिस एंड दिस सेकंड ब्रैकेट इज़ टू प्लस स्क्वायर रूट टू। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो इसकी है वो पूरी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, देन अगेन सेकेंड टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। सो हियर थ्री टू ज़ा सिक्स, एंड यहाँ पे अब जब थ्री स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पे अब आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर रूट लगा है, अंडर रूट लगा है, तो थ्री जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बी थ्री स्क्वायर रूट टू। सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे सो इट विल बी टू स्क्वायर रूट थ्री, एंड हियर स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे इट विल बी सिक्स स्क्वायर रूट सिक्स। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तीनों जो सॉरी चारों की चारों जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स अब जो है वो उसी से ऐड होगा जो विदाउट अंडर रूट होगा। अब यहाँ पे बाकी तीन जो टर्म्स हैं वो विदाउट अंडर रूट नहीं है। अब ये टर्म उसी से ऐड होगी जिसमें अंडर रूट टू होगा, ऐसी कोई टर्म है ही नहीं। सिमिलरली सभी अंडर रूट टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपका जो आंसर है वो यही ही रहेगा, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह सेकेंड पार्ट अगर आप देख रहे हैं, दिस इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए आपके पास है थ्री, बी आपके पास है स्क्वायर रूट थ्री, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो हियर दैट इज थ्री नाइन, एंड जब भी हम किसी अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और वही नंबर आपका आता है। सो हियर थ्री, मतलब जब आप स्क्वायर रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट टू से योर आंसर विल बी टू, वही नंबर आ जाएगा बट विदाउट स्क्वायर रूट। सो नाइन माइनस थ्री डेट इज सिक्स। इसी क्वेश्चन को आप इस वे से भी कर सकते हैं कि पहले इस टर्म को पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को फिर इस टर्म से किया, तब भी आंसर आपका क्या आएगा, सिक्स ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रैशनलाइज। सो व्हाट इज रैशनलाइज, अगर मैं आपको कहूं कि ये नंबर लाइन है, मुझे यहां पे आप बताइए कि ये कहां लाई कर रहा है। ठीक है, वन ओवर स्क्वायर रूट टू कहां लाई कर रहा है। सो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए इसको बताना, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। अगर ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, स्क्वायर रूट को जो है अगर किसी तरह ऊपर ले आऊँ न्यूमरेटर में, डैट विल बी इजी फॉर मी टू शो इट इन दी ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रैशनलाइज। ठीक है, आपकी रैशनलाइज जो है डैट इज़ रिलेटेड टू द डिनोमिनेटर। जब आपके डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट और अंडर रूट वाली कोई टर्म होती है, स्क्वायर रूट अंडर रूट, ठीक है, तो तब हम रैशनलाइज करते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में हम कभी भी अंडर रूट वाली टर्म को नहीं रखते। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। सो हियर बेसिक क्वेश्चन है रैशनलाइज के, कि यहाँ पे इसको इन दोनों को रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन स्क्वायर रूट, पर साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, यही चीज उठाकर मैंने यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखी है, बट साइन जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। रैशनलाइज करते वक्त डिनोमिनेटर जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, बट साइन चेंज करके।
अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ रहेगी, 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। डिनोमिनेटर में आपके पास ये दोनों हैं तो इन्हें मैं अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इन्हें, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। अब a माइनस बी और a प्लस बी डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। न्यूमरेटर में आपका यही था, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। नीचे आपकी ये टर्म बन रही थी, देखें अगर a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आगे मैं इन्हें लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम रहेगा, 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 7 डैट इज 7, हमने अभी किया था 7 माइनस 6। तो यहाँ आपके पास जो चीज़ आई डैट इज दिस, ठीक है। सो इट्स सिंपल टू रैशनलाइज, ठीक है। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे भी मैंने इसे मल्टीप्लाई किया सेम इसी से, पर साइन चेंज कर दिए, साइन जो है वो चेंज हो गए हैं, माइनस का प्लस कर दिया। 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म को तो वही टर्म रहेंगी, नीचे आपके पास वही चीज बन जाएगी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला हमने अभी किया था, ए प्लस बी ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे स्क्वायर रूट 7 उसका होल स्क्वायर डैट इज 7, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास जो आंसर आया डैट इज दिस अपॉन 3। कई बच्चे जल्दी में इसे यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ स्क्वायर रूट ही है तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख देते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्वायर रूट अंडर रूट लगा है डैट इज ऑन 7, सिर्फ 7 के ऊपर लगा है, 2 के ऊपर नहीं लगा, सो द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 हियर। तो इस तरह से आप रैशनलाइज करेंगे। सो दिस इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है। नाउ यहाँ इन क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, पावर की डिनोमिनेटर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर देख रहे हैं डैट इज 64 रेज टू पावर 1/2, सो द डिनोमिनेटर इज हियर 2। So that means you have to find a number which multiply 2 times and gives 64. ऐसा number जिसको दो बार multiply करें और मेरे पास जो आए that is 64, वो 64 आए। अब दो ही बार क्यों? क्योंकि denominator क्या है? 2 है। तो मुझे एक ऐसा number पता चल गया है जिसे हम दो बार multiply करें और 64 आए, that is 8 multiply 8. ठीक है, जब आप 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 64। नाउ यू कैन राइट दिस एज दिस, यहां पे 8 जो था वो दो बार लिखा हुआ था तो मैंने उसको एक बार लिख के उसकी जो है 2 लिख दिया, या फिर आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, बेसिस आर सेम, सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सो 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। ऑलरेडी 1/2 पावर हमारे पास पहले से थी,
सो टू कैंसिल हो गया, सो योर आंसर इज 8. यहाँ पे भी ऐसा ही है, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है पावर का, सो दैट मीन्स अ नंबर मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स एंड गिव्स 125, दैट इज 5. 5 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट में मिलेगा दैट इज 125. तो यहाँ पे आपने 125 को इस वे से लिख लिया. इन द नेक्स्ट स्टेप 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिख सकते हैं. 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो पावर क्या आ गई, 3. सो योर आंसर इज 5. इसी तरह लास्ट थर्ड पार्ट देखें, डैट इज 16 रेज टू पावर 3/4 एंड द पावर विद डिनोमिनेटर डैट इज 4. तो ऐसा नंबर जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 16 आए डैट इज 2. सो हियर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड हियर पावर इज 3/4. सो यहाँ 2 की पावर 4 लिखती मैंने, दैट इज मल्टीप्लाइंग विद द 3/4. ठीक है, 2 की पावर को मैंने 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई विद द 3/4, 4 से 4 कैंसिल. ठीक है, 2 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई. अभी तक तो हम यहाँ पे जब कैंसिल कर रहे थे हमारी पावर 1 रह रही थी, दैट मीन्स वही नंबर यहाँ पे भी ऐसा था, बट यहाँ पे अब पावर क्या है, 3 है. सो दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स. दिस इज योर 8. ये क्या है, 8 है. सो आंसर इज 8. नेक्स्ट, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 125 रेज टू पावर माइनस 1/3. तो अब यहाँ चेंज क्या है कि अब जो पावर है माइनस में आ गई. माइनस को बाद में देखते हैं, पहले डिनोमिनेटर देखिए 3. अभी इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके थे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1/3. सो यू कैन राइट दिस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3. 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 5 रेज टू पावर माइनस 1. सो नाउ द पावर इज माइनस 1. तो हमने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंशियल लॉ, जिसमें पावर माइनस में होती थी तो हम क्या करते थे, उसको चेंज कर देते थे पॉजिटिव में बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते थे. तो 1/5 आपके पास आ जाएगा और इसकी पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. डैट मीन्स आपका जो आंसर है डैट इज 1/5. नेक्स्ट इज, अगर आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं उसका मतलब है मल्टीप्लाई. ठीक है, बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स जो होती हैं वो हो जाती हैं ऐड. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप पावर्स को ऐड कर देंगे, इट विल बी 2/3 प्लस 1/5. सो 3 5 15. सो द आंसर इज 2 रेज टू पावर 13/15. अगर आप देखेंगे दोनों बेसिस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डैट मीन्स पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी. तो दोनों पावर्स को जब ऐड किया, एलसीएम लिया, डैट इज 15. सो ऊपर आपके पास आ गया 10+3, डैट इज 2 रेज टू पावर 13/15. सो दिस इज योर आंसर. ये लास्ट एक्सरसाइज थी, लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल थे, बट द मेन इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आपको पता चल गया कि आपके जो नंबर्स हैं वो किन किन टर्म्स में डिवाइड हो रहे हैं, उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.